जो पूछता है भारत पूछता है भारत पूछता है भारत सगरोई भारत बाकी जेब में या तो जाने वो टिकैत साहब ने कही भाई चुप ना रहने की तो हमें कोई बीमारी है यार सबने सुनी ये बात है। जब तुम किसी है कि अपने ढंग बुला रहे हो तो दो बात बाकी भी सुनो है। डिबेट को मतलब क्या है, तुमने एक वर्ड बोलो और वहां पे चार आदमी बैठे अपनी अपनी राय देंगे, वो रुके ही ना है वहां में घेर ही ना कोई और नहीं हो चैनल है सीख रो विचारो जो पूछता है भारत पूछता है भारत पूछता है भारत। समिति बनाने के लिए कहा है, कितना सहमत है समिति फिर बताएगी उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में। हाँ तो कोई बात ना बना दो, उन्होंने ठीक काम करो बना दो कमेटी बढ़िया बात। सुप्रीम कोर्ट ने चार पांच बार हमारे ही फेवर की बात कही है, पहले दिन से ही कही है सुप्रीम कोर्ट ने। अरे सुन जा यार, पहले दिन से ही कही है कि भैया ये किसान आए परे दिल्ली के आसपास इन्हें देख लो, ये सुनने को तैयार ना है। कोई बात ना है तो हम तो अपनी बात कर रहे हैं यार, कमेटी बनाने के लिए तो सरकार भी कह रही है आपसे कितने दिन से, क्यों नहीं मानी बात आपने? हमारी बात सुन ले भाई, हम तो अगली मत पूछो, हमारा काम सही रास्ता पे जा रहा है और अपने निपटा के जाएंगे, बात लो करो खत्म यहाँ। अगर आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपके साथ है पहले से, तो किसान नेता जो है फिर समिति के साथ जाने के लिए तैयार क्यों नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है समिति बनाओ क्यों उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है? देखो मेरी बात सुनो, अभी उन्होंने कही है यहाँ पे चर्चा चलेगी आज में कल में, तुम यार कहते ही छींक आते ही मत भग छूटे करो, बात है निपटन दो, अभी दो चार घंटा पहले कोई बात आई है वहां में आगे बात चलेगी, आंदो लेकर के कहा लेकर के आप बताओ किसने मने कर दी तुम थे, किसने करी है मने, अरे किसने मने कर दी यार, हमें दिमाग तो लगा लं दो घंटा पहले आई है खबर तगन्नी ना तुम्हें। 40 दिन से कर रही है सरकार कमेटी किसकी, सरकार की तो मानेंगे हम वहाँ जो जो सही है, गलत ना माने ना सरकार की ना तुम्हारी, कानून होल्ड पर डाल के सहमत हो तो सेम एक बैग फेंक दियो, होल्ड क्या हो उठाए और फेंक दियो यार, होल्ड क्या हो, होल्ड को मतलब है कि यह माइक उठाए को फेंक दे, होल्ड को मतलब क्या है, होल्ड को मतलब यू है कि यह हुक्का से योग फेंक ये करे हो और बढ़िया करे हो, आगे की बात आगे करेंगे, अभी दिल लिख रंदो यार कहीं सांस ले लंदो का ही है। कहा क्या, सुनो 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 क्या कही, खत्म करा के जाएंगे, खत्म हो ना गए करा के जाएगा यू भारत को अन्नदाता आई, कोर्ट ने एक माई को फेंक दियो, शुरुआत तो हिल लगी, तसल्ली तो करे करो यार, अब तक तो सड़क ही ना रहे कागज, अब सरकार सर की तो हिल लगी, काम नहीं होएगा होएगा काम बेचिंता रहो, मेरी बात सुनो आगे की, और यहाँ पे आप कोई सवाल मत पूछियो, सर्वोच्च न्यायालय और देश का संविधान जनता के हित के आगे दोनों का कद छोटा होता है, और ये जनहित से जुड़ी हुई बात है, यहाँ पे ज्यादा बात करने की आगे जरूरत ना, बिल्कुल हमारे फेवर में होएगा काम, हमारे फेवर में होएगा, हमारे फेवर में होएगा, और किसान माने भारत है, अगली बात और मत पूछो, किसान माने भारत के किसान माने ही भारत है, जय किसान, अगली बात ही बताओ। सरकार ने आप जो लगातार कह रहे थे कि आप 26 जनवरी को जाएंगे उसको ध्यान में रखते हुए याचिका डाली है, अरे यार गेरन दो उन्हें, हमने उनसे मने कर दी, तुम भी एक गेरी आओ जाके मने कर रहे हैं, हम गाई देखा छ 26 जनवरी आएगी 4-6 घंटा पहले आती हो जब बता देंगे तुम्हें कहा है, काम हो कहा की यार अगली बात पूछ रहे हो, अरे बीच में बंदे तारीख है एक और लगेगी इतने नंबर जाए काम वहाँ नमज कोनी पे गई वहाँ है ना कुछ भी 100% अगर भगवान इन्हें सदबुद्धि दे दे और तुम भी यही ना कर दो जाके हम ये होके अगली साल तक भी मतलब तो क्या मतलब है, हम तो बैठे हम ये कह रहे हैं भगवान इन्हें अकल दे दे, तुम समझाने में कामयाब है जाओ, एक मिनट तुम इन्हें समझाने में कामयाब है जाओ, परमात्मा इन्हें सदबुद्धि दे और ये पहले ही निपटा दे, बाय बाय है जा। कहाँ के कौन के ने बयान अलग है गए, कौन के अलग है गए भाई, लेकिन जनहित के आगे
जनता की बात को भी कोई ना नकार सके। अरे यार उन्होंने सही कही है, अपनी चिंता जताई है। यहाँ पे कुरेदा करा दी क्यों कर रहे हो तुम, ये बताओ नेता की क्या हालत है, क्या कुरेद रहे हो खामो खा की नई नई बात करने। सुप्रीम कोर्ट सही कह रहा तो कहना भी मानो ना। किसको कौन ने कहनो ना मानो, कौन ने टार दी उनकी बात। तुम दो घंटा तक आइए कहते रहोगे तुम में यू तो ऐब है, तुम में भी एक ऐब है, बीमारी है तुम्हारे भी, दवाई लेकर आए करो तुम भी। आप बीमारी बता रहे अर्णब गोस्वामी को, कह रहे आपके नेता यार अर्णब गोस्वामी के यहाँ हमारे राकेश टिकैत जी गए वहाँ की वहाँ में बैठ गए डिबेट में, जो पूछता है भारत पूछता है भारत पूछता है भारत, अब जब सगरोई भारत बाकी जेब में या तो जाने वो। टिकैत साहब ने कही भाई चुप ना रहने की तो हमें कोई बीमारी है। यार सबने सुनी ये बात है, जब तुम किसी है कि अपने ढंग बुला रहे हो तो दो बात बाकी भी सुनो है। डिबेट को मतलब क्या है, तुमने एक वर्ड बोलो और वहां पे चार आदमी बैठे अपनी अपनी राय देंगे, वो रुके ही ना है वहां में, घेर ही ना कोई और नहीं हो, चैनल है सीख रो विचारो। बीमारी नहीं है, आदत है सवाल करने की। किसकी ये बीमारी हो भैया, तू पीछे को देख के चलन लगे तो यू आदत ना ही बीमारी है, बीमारी है। नहीं भैया मेरे कब कही है, खूब पूछो पर कहीं दूसरे की भी सुन लो, कहिए बुला रहे हो तुम सामने वाले को मौका, वहाँ मौको देख रहे। बताओ हम तो पूरी सुने, हम तो क्यों नाराज। नहीं तुम पूरी कहाँ सुनो, तुम तो तुम्हें कोई सौदा मिल जावा लटकाई डोले करो, कोर्ट की बात करो खत्म, कोर्ट हमारे संग है, कोर्ट ने सही कही है, अगली बात तुम पे कोई हो तो पूछ लो, कोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहोगे। किसकी जीत कही जाएंगे, जीत हो ना गई जीत कही जाएंगे। लोकतंत्र में जनता सरकार हो और जनता सरकार कह रही है खत्म करके जाएंगे, बात खत्म खत्म। कहा 2018 की क्या हो, यहाँ छोड़ो तुम, आंदोलन होते रहे कहीं कोई बात रह जा कहीं मन जा वो बात छोड़ो। मंत्री साहब कह रहे हैं जो कौन से मंत्री, हाँ किसान हमारे साथ है उनका भी तो सम्मान करें या आंदोलन का भी। कौन से किसान संघ है उनके, हमारे कृष्णवीर चौधरी साथ हैं। कौन से समिति, दोनों की तरफ की बात सुनेगी ना आपकी भी और उनके समर्थक कोई नहीं जो बीजेपी समर्थक है। अरे हमारी बात सुनो भाई, कोई किसान नहीं, तुम हमते सूती सूती तो करे करो बात और दो चार की गिनती लेके आया करो और सुन के जाए करो। हमारे 40 किसान संगठन है जो हमारे यहाँ से बॉडी चुन के जा रही है, संगठन तो और भी है लेकिन ऐसा है भैया तीन में से एक चुन लो, उनने समर्थन दे दियो तो संगठन तो बहुत रेज के जो इसके खिलाफ है और वो जो निर्णय लेंगे वो बात मानी जाएगी है, समझ गए मेरी बात। अब वो कहीं से पकड़ लाए, पहले तो खाटन पे बैठा दे डोल रहे, बिलोकन में इकट्ठे करते डोल रहे, कहीं बुक्की फुक्की में धल्लाए, वो या नाटकबाजी है करते डोल रहे, वो बात चलेगी ना। हमने भी सुना है जो चार लोगों की कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है उसमें हमने भी खूब ध्यान दिलाया, कोई किसान नहीं तो नजर ही तसल्ली तो कर लो, कल को दिन तो निकल दो यार, दो घंटा हुए ना कागज छपे ना है, तुम पहले जा गए हमारे ढिंग काम है, चलन दो तनक शुरुआत हुई है, अब तो बना लेंगे, तुम पहले होश पर जाए अभी तो बना में कहीं बैठ के चलो, वो माने चिंता जताई है कोर्ट ने अपनी, कोई बात नहीं है वो बात ठीक है। आप कब जा रहे हो घर के, मैं क्यों जाऊं भाई, कौन 70 साल के आदमी देश है तो चला रहे हैं, हम पे आंदोलन ना चले को 55 साल के पे, हम पे 55 साल के पे तो आंदोलन ना चले, 70 साल को आदमी देश है हाँ करो भाई, बहुत जोर के आदमी हो तुम, कौन किसान आदमी ना हो, किसान आदमी ना हो तो भाई निगाह में भैया तसल्ली कर लो, आज फैसलो आयो घने उतावले मत बनो, उतावले मत बनो, फैसलो किसान के पक्ष में है या मैं इफ बट पे मत लगाओ तुम, हमने कह दी पक्ष में और चार पांच बार पक्ष में ही आए हो और आगे भी पक्ष में ही रहे, पक्ष में कैसे बताओ तो जनता जानना चाहती, तुम ज्यादा विश्लेषण मत करो यहाँ को सगरी बात, तुम पे तो आज तक 6 महीना में कानून को कागज ना आए, हम पे हम तक हमारी बात हम यहाँ पूछो तुम्हें ना कुछ बताओ, 1.5 महीना से मैं भौंक रहा हूँ, एक खासियत दिखा दो, एक तुम पे है ही ना, हमारा काम चल लो भाई छेड़ो मत, हमारे काम है
कोर्ट बिल्कुल हमारे फेवर में, और यहाँ पे कोई भी बात हमसे अब करो ही मत, आगे तुम पे कुछ हो तो पूछ लो। तो चिंता तो जतानी चाहिए भाई, चिंता जताना कोई बुरी बात है। तू यहाँ से घर को जान लगे, मैं कहूँगा भैया सुरक्षित पहुँच जाइए, कोई तो मैं ठेना मार जाए, तो ये चिंता ही जतानो। तो सरकार चिंता कर ले, क्या मैं क्या बात है, कोर्ट को मामलो ठीक है। कमेटी में जो लोग हैं वो कौन लोग हैं? कहा कि कमेटी जो है वो उनके भले के लिए नहीं है, ऐसा तो उन्होंने सही बोले होगा, जान बूझ कर ठीक बात कही है उन्होंने, उन्होंने जान सोच समझ कर ठीक बात कही है, हमें क्या बुराई है भाई।